Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon, supposedly built out of solid gold, guarded by the living dead. Whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power. आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यदि आप कुछ मजेदार और अलग वीलॉगिंग एंटरटेनिंग वीडियोस में दिलचस्पी रखते हो तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल निखिल्स RV400 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और मैं बहुत ही जल्द पहला वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। वहीं उन सभी को दिल से धन्यवाद जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1957 के समय से होती है, जब US सोल्जर्स की एक बटालियन टॉप सीक्रेट फैसिलिटी हैंगर 51 AKA एरिया 51 के फैसिलिटी पर दस्तक देते हैं, जहां US सरकार ने सीक्रेटली ऐसे वस्तु छिपा रखे होते हैं जिनमें अलौकिक शक्ति है, जैसे बिबिकल आर्टिफैक्ट कॉल्ड द आर्क ऑफ कोवेनेंट, जिस पर इस मूवी की प्रीक्वल रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1981 में बनी थी, और द रॉसवेल रिमेन्स, जो कि एक रियल एलियन रिमेन्स है जिसका UFO एयरक्राफ्ट 1947 में मेक्सिको में क्रैश हुआ था, पर एक टॉप सीक्रेट एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग के कारण उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। पर वो ना सुनने को तैयार नहीं, इसलिए सभी गार्ड्स को शूट करके जबरदस्ती घुस जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ये सोवियत एजेंट्स हैं, लेड बाय आइरिना, जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट जोन्स और उसके पार्टनर मैक को भी किडनैप कर लिया, क्योंकि वो किसी ममीफाइड शव के तलाश में है जो इसी विशाल हैंगर में कहीं रखा है, जिस पर जोन्स ने 10 साल पहले काम किया था। और अंत में उन्हें जान के डर से शव को खोजने में उनकी मदद करनी पड़ती है। ममीफाइड शव अद्भुत कारण से हाईली मैग्नेटिक होता है, इसलिए जोन्स डस्ट आयरन की मदद से उन लाखों कंटेनर्स के बीच छिपा ममीफाइड कंटेनर टाइटेनियम कास्ट में प्रिजर्व उस मम्मी का शव खोज निकालते हैं। जोन्स को ये भी पता चलता है कि इसमें उसका पार्टनर मैक भी पैसों के खातिर मिला हुआ है, पर इससे पहले कि जोन्स समझे कि आखिर उन्हें उस शव से चाहिए क्या, वो सभी को चकमा देकर भागने लगते हैं। वहीं जोन्स लंबे संघर्ष के बाद एक रॉकेट बूस्टर की मदद से नजदीक के फेक एटॉमिक टेस्ट साइट भाग निकलते हैं, पर उनके झड़प के दौरान गलती से अब एटॉमिक टेस्ट कुछ ही सेकंड्स में ट्रिगर होने वाला होता है, इसलिए जोन्स विस्फोट के असर से बचने के लिए चालाकी से लेड लाइन रेफ्रिजरेटर में खुद को सील कर लेते हैं। एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट इतना प्रभावशाली होता है कि उसके शॉकवेव से ही पुतले पिघलने लगते हैं, और विस्फोट के उस फेक टाउन पहुंचते कुछ भी उसके सामने टिक नहीं पाता, पर जोन्स डेडली रेडिएशन के असर से सर्वाइव कर जाते हैं। और अगले ही दिन जोन्स को एक और शॉकिंग जानकारी एक अजनबी मैट से पता चलती है कि उनका पुराना दोस्त ऑक्सली को उन्हीं लोगों ने अगवा कर लिया है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने कोई अद्भुत सिल्वर क्रिस्टल स्कल ढूंढ निकाला था, जिसे लेकर वो अमेज़न के मिथिकल हिडन सिटी कॉल्ड एकेटोर के खोज में निकले थे। दरअसल मिथ्स के अनुसार 7000 साल पहले अमेज़न के उगा ट्राइब्स भगवान द्वारा चुने गए थे एक विशाल सोने का शहर बनाने के लिए, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी छिपी थी जो उसके बनने के 5000 साल तक देखी नहीं गई। 1546 में स्पेनिश कॉन्करर्स ओरिलाना भी उसके खोज में निकले थे, पर वो कभी लौटे ही नहीं। लेजेंड्स के अनुसार वो क्रिस्टल स्कल एकेटोर से चुराया गया था, और जो भी उस स्कल को द लॉस्ट सिटी एकेटोर लौटाएगा उसके पास उस अलौकिक क्रिस्टल स्कल की शक्ति का नियंत्रण होगा, पर वो स्कल ऑक्सली ने कहीं छिपा दिया, इसलिए सोवियत एजेंट्स ने उन्हें अगवा कर लिया। पर अगवा होने से पहले ऑक्सली ने उसके मॉम को पहेली में एक लेटर लिखा था, पर ऑक्सली के तलाश में उन्हें भी उन लोगों ने धर लिया, पर एक दिन वो कुछ देर के लिए उनके चंगुल से भागने में सफल रही, जिसके दौरान उन्होंने उसे ऑक्सली का वही लेटर उन तक पहुंचाने को कहा, क्योंकि सिर्फ वो ही है जो इसमें छिपे प्राचीन भाषा में लिखे पहेली को सुलझा सकते हैं। और उन पर भी उन्हीं सोवियत एजेंट्स का नजर बनाए रखने से जोन्स को समझ जाता है कि उस दौरान उसकी मां टेम्परली बच नहीं निकली थी, बल्कि उन्हें जानबूझकर भागने दिया गया था ताकि वो ऑक्सली का लेटर उन तक पहुंचा सके पहेली को सुलझाने के लिए। पर दोनों उनके हाथ लगने से पहले लंबे संघर्ष के बाद भाग निकलते हैं। पहेली के अनुसार उन्हें धरती की रेख को फॉलो करना होगा, जिसे सिर्फ परमेश्वर पढ़ सकता है, जो उन्हें ओरेलाना के क्रैडल यानी के बर्थ प्लेस ले जाएगा, गार्डेड बाय द लिविंग डेड। जोन्स प्राचीन भाषा में एक्सपर्ट, वो तुरंत उसका मतलब समझ जाते हैं कि ये जरूर नैस्का पेरू में बने उन चित्र के तरफ इशारा है जिसे सिर्फ आसमान से पढ़ा जा सकता है, जहाँ सिर्फ परमेश्वर बसते हैं। उन्हें समझ जाता है कि ऑक्सली जरूर उन्हें उसी अद्भुत स्कल के लोकेशन की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों बिना समय गवाए पेरू शहर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ऑक्सली किडनैप होने से पहले पागलों सा बर्ताव बर्ताव करने लगे थे, जिसके कारण उन्हें नजदीक के पागलखाने भर्ती कर दिया गया। वहीं दोनों इस बात से बेखबर है कि देशद्रोही मैक उन्हें फॉलो कर रहा है, पर जोन्स को ऑक्सली के कुछ पहले जैसे क्रैडल से उन्हें कंफ्यूजन होने लगता है, क्योंकि ओरेलाना का जन्म स्पेन में हुआ था ना कि पेरू में। वो सिर्फ यहाँ सोने की खोज में आए थे, पर जब वो ऑक्सली के उस वार्ड को विजिट करते हैं जहाँ उसे कभी भर्ती किया गया था, उन्हें उसी स्कल की नकाशी और रिटर्न शब्द कई बार दीवार पर अलग अलग भाषा में लिखा मिलता है। जमीन पर चित्रित नकाशी से जोन्स उस पहेली को भी सुलझा लेते हैं कि दरअसल उस पहेली में क्रैडल का मतलब इंग्लिश में नहीं बल्कि प्राचीन मयान भाषा में इसका अनुवाद आखिरी रेस्टिंग प्लेस है, यानी कि ओरेलाना की समाधि। इसका मतलब कि ओरेलाना कहाँ गायब हो गया था इसका भी खोज ऑक्सली ने कर लिया था। दोनों पहेली को फॉलो करते हुए उसी सुनसान गरजते बिजली से घिरा हुआ भूतिया कब्रिस्तान पहुँचते हैं। काफी देर तक उन्हें कुछ ठोस नहीं मिलता, पर फिर उन्हें एक प्रवेश द्वार सा नजर आता है, जिसकी डरावनी रचना को देखकर उन्हें साफ समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे कोई खुफिया गुफा छिपा है, जिसे जोन्स ढूंढ निकालते हैं। गुफा के अंदर उन्हें ऑक्सली के चित्र की तरह कई कंकाल मिलते हैं। एक और हिडन रास्ते की खोज करने के बाद उन्हें गुफा के आखिरी हिस्से में 7 ममीफाइड शव के अलावा हाल ही में किसी के घुसपैठ के निशान भी मिलते हैं। उन ममीफाइड शव में से एक के प्रोटेक्टिव कवच को फाड़ने के बाद उसका शव जैसे कल ही गाढ़ा हो नजर आता है, पर बाहर के वातावरण के संपर्क में आते ही वो एकदम से सूख जाता है। उन्हें फाइनली ओरेलाना का भी शव मिलता है, जिससे किसी ने कब का खोज निकाला था, पर जोन्स को समझ नहीं आता कि इतनी बेशकीमती सोने जवाहरात को छोड़कर आखिर उस घुसपैठ की नजर किस चीज पर पड़ गई थी। पर अब जब जोन्स के हाथों से सोने के सिक्के ओरेलाना के शव की तरफ खींचने लगते हैं, तब उन्हें उसके पीछे वही अलौकिक हिडन सिटी एकाटोर का खोया सिल्वर क्रिस्टल स्कल मिलता है, जिसमें रहस्यमय कारण से चुंबकीय शक्ति होती है। उसके बनावट को देखकर साफ नजर आता है कि ये किसी इंसान का बनाया नहीं है, जिसका रहस्य आगे रिवील होगा। जोन्स भी अब सारे पजल को सॉल्व कर लेते हैं कि ओरेलाना ने जरूर क्रिस्टल स्कल और खजाना खोज निकाला था, पर वो जरूर आदिवासी के हाथों लग गए, इसलिए उन्हें यहीं चुनवा दिया गया। ऑक्सली ने भी इसकी खोज की शायद, जिसके निशान उन्हें मिले, जिसे लेकर वो एकाटोर गया, पर किसी कारण से उसने इसे यहीं रिटर्न छोड़ दिया। इसी कारण से उसने उन दीवार पर कई बार रिटर्न लिखे थे, पर इससे पहले कि दोनों स्कल लेकर गायब हो, मैक अपने सोवियत साथियों के साथ उन्हें धर लेता है और स्कल के साथ दोनों को सीधे अमेज़न जंगल ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से आइरिना से होती है। आइरिना स्कल के बारे में उनसे कुछ शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि दरअसल लेजेंड्स ऑफ एकाटोर सच है, जिसे 15वीं सदी में इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ऑफ मार्स ने बनाया था, जहां सिर्फ सुप्रीम बीइंग्स एलियंस बसर करते थे, जिनके पास कभी ना देखी गई टेक्नोलॉजी और पैरानॉर्मल एबिलिटीज थी, जिनकी हड्डियां क्रिस्टल से बनी होती थी, जिसका उदाहरण वो उसी हैंगर से लूटे द रॉजवेल रिमेन्स एलियन के शव को काट कर दिखाती है। इसीलिए वो स्कल भी क्रिस्टल का बना है, क्योंकि रियलिटी में वो उन एलियंस में से एक का सिर है। वहीं उस क्रिस्टल स्कल में किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल और उन्हें पढ़ने की अलौकिक शक्ति है, जिसके मदद से वो दुनिया पर राज कर सकती है। आइरिना के पास खुद भी ट्रेंड साइकिक एबिलिटीज होती है, पर किसी कारण से वो स्कल से साइकिक कनेक्शन नहीं बना पा रही, जिसे पाने के लिए शायद उसे हिडन सिटी एकाटोर खोजना होगा। जोन्स को अब समझ आता है कि इसीलिए ऑक्सली ने स्कल को रिटर्न रख दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आइरिना इसके पीछे है, पर ऑक्सली के स्कल की तरफ कंटिन्यूस देखने के कारण उन्होंने रियलिटी से अपना होश खो दिया और अब से पहेली में बड़बड़ा रहे हैं, जिन्होंने हिडन गोल्डन सिटी एकाटोर को भी खोज निकाला था। जोन्स को एक और सरप्राइज मिलता है कि मैट उसके एक्स गर्लफ्रेंड मैरियाना का बेटा है और मैट उसका ही संतान है। आइरिना का मैरियन की जान लेने का ब्लैकमेल पर जोन्स ऑक्सली के पहेली को आधा सुलझाने में सफल हो जाते हैं कि ग्रेट स्नेक दरअसल नदी है और स्लीप का अनुवाद पोर्चुगीज में सोनो है और करीब ही सोनो नदी है, यानी कि उन्हें सोनो नदी को फॉलो करना होगा। इसलिए अगले ही दिन सभी एकाटोर के तलाश में निकल पड़ते हैं, पर जोन्स और उसकी टीम मौका देखकर स्कल के साथ भागने लगते हैं। लंबे कॉमेडी से भरे संघर्ष के बाद आइरिना के आधे से ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। ऑक्सली भी जंगली एंड्स के अटैक का शिकार बनने ही वाला होता है कि स्कल की शक्ति से एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार हो जाता है, जिससे वो एंड्स उसे बिना चोट पहुंचाए उसके साइड से निकल जाते हैं। अब आइरिना अपने बचे हुए टीम के साथ सोनो नदी उतरने ही वाली होती है कि मैरियन अपने एम्फीबियस ट्रक के साथ कूदने का जोखिम उठाती है। वो पहले जंप में बच तो जाती है, पर जोन्स को अब ऑक्सली के पहले 3 टाइम से ड्रॉप्स का मतलब समझ आता है, क्योंकि आगे उन्हें एक नहीं बल्कि 3 जानलेवा बाद झरनों से गुजरना होगा, जो एक को पार करने पर अगला दूसरे से और विशाल निकलता है। पर भाग्य से सभी बच जाते हैं और नजर घुमाने पर उन्हें झरने के पीछे इंसान के शक्ल में एक गुफा नजर आता है जिसकी आंखों से पानी बह रहा होता है, जिससे जोन्स एक और पहेली सुलझा लेते हैं, यानी कि उन्हें उसी गुफा की तरफ बढ़ना होगा। गुफा में एंटर करने पर उन्हें इजिप्शियन पिरामिड से भी पुराना चित्र और कई उन्हीं एलियंस के चित्र मिलते हैं, जिनमें से एक में 13 एलियंस के चित्र होते हैं जिनकी सर उसी स्कल से मैच कर जाते हैं जिन्होंने इंसानों को सिंचाई और खेती करना सिखाया। इसीलिए युगा ट्राइब्स के लोग उनकी पूजा किया करते थे, पर वो सभी इस बात से बेखबर कि कुछ तो घात लगाए उनका पीछा कर रहा है, जो अंत में युगा ट्राइब के आदिवासी निकलते हैं जो उन्हें डराकर गुफा से बाहर खदेड़ देते हैं, पर स्कल को देखते ही वो अपना कदम उनसे पीछे ले लेते हैं। भाग्य से ग्रुप अब मयान पिरामिड खोज निकालते हैं जहाँ तक पिछली बार ऑक्सली पहुंचे थे, जिसके रचना को समझने के बाद जोन्स ऑक्सली के अंतिम पहेली को सुलझा लेते हैं कि पैलेस ऑफ इटर्निटी यानी कि द गोल्डन सिटी को ओपन करने के लिए ये मीनार एक चाबी है, इसलिए चाबी को हिलाने के लिए सभी तुरंत मीनार को चाबी से जोड़े रखे लॉक्स को तोड़ने लगते हैं, जिनसे रेत के बाहर निकलते ही लॉक अनलॉक हो जाता है और वो सभी सीधे किसी अंडरग्राउंड खाई में गिर जाते हैं। पर उनकी मुसीबत अभी तक टली नहीं होती क्योंकि अब सीढ़ियां एक एक करके सिकुड़ने लगती हैं। इससे पहले कि वो नोकीले स्टोन स्पाइक पर गिरकर मारे जाएं, उन्हें तुरंत आगे भागना पड़ता है, पर अंत में सीढ़ियां खत्म हो जाती है और सभी सीधे नीचे गिर पड़ते हैं। हालांकि ऊंचाई कम होने के कारण भागे से सभी बच जाते हैं। वहीं वो इस बात से बेखबर कि आइरिना आदिवासी को अपने रास्ते से हटाते हुए उनका ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से पीछा कर रही है। यहाँ इनका टेम्पल में एंटर करने पर उन्हें एक तहखाने में एलियंस का इकट्ठा किया अलग अलग प्राचीन सभ्यता के कई बेशकीमती कलाकृतियां मिलती हैं। इसका मतलब कि एलियंस कलेक्टर्स यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे जो धरती के विभिन्न संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंत में उन्हें एक विशाल दरवाजा भी मिलता है जिस पर बने स्केलेटन के सिर पर स्केलेटन रखने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब जैसे ही सभी उस आखिरी तहखाने में प्रवेश करते हैं, वो चेंबर पूरे सोने से बना उन्हें 13 और एलियन के क्रिस्टल कंकाल सोने के सिंहासन पर विराजमान मिलते हैं, जिसमें से एक का सिर गायब होता है। पर तब तक आइरिना भी पहुंच जाती है और ऑक्सली से स्कल छीनकर और अपने हाथों से उस स्कल को अधूरे कंकाल पर रखने पर उसमें जैसे सच में जान आ जाती है और अब वो प्राचीन मयान भाषा में ऑक्सली द्वारा अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं और उनमें से किसी एक को बड़ा उपहार देने का वादा करते हैं। लालची आइरिना बिना सोचे समझे तुरंत उनसे ब्रह्मांड की सारी जानकारी जानने की बार बार मांग करने लगती है। एलियन अपने वादे के पक्के उससे अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, पर इसके ठीक बाद एलियन के सारे स्कल्स अजीब बर्ताव करने लगते हैं। पूरा तहखाना घूमने लगता है और अंत में एक विशाल पोर्टल ठीक उनके ऊपर खुलने लगता है जो हर चीज को अपनी तरफ निगलने लगता है। इससे अब सभी को समझ जाता है कि ये सिर्फ एलियंस ही नहीं बल्कि इंटर डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और वो पोर्टल पाथवे टू अनदर डायमेंशन है। इसलिए 15वीं सदी में एलियंस उन सभ्यता के भी कलाकृतियों को जमा कर पाए जो उस समय एग्जिस्ट भी किया नहीं करते थे, पर इससे पहले कि पोर्टल उन्हें अपने डायमेंशन में खींच ले सभी सही समय पर कूद जाते हैं, पर आइरिना के साथ ही खींच ले जाते हैं। वहीं आइरिना अब भी ज्ञान के लालच में एलियन से और जानकारी की मांग करने से पीछे नहीं हटती, इसलिए वो एलियन वादे के अनुसार वैसा ही करते हैं, जिसके दौरान अब वो सारे स्कल्स एक में जुड़ने लगते हैं और फाइनली एलियन अपना असली रूप लेता है। पर अब आइरिना उनके ज्ञान के भंडार को झेल नहीं पाती, वो अब एलियन को रुकने के लिए भीख मांगने लगती है और एलियन उस पर क्रोधित नजर आता है और वो नहीं रुकते। इससे अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों आइरिना स्कल से संपर्क बनाने में असफल रही थी, क्योंकि स्कल ने उसकी इवेल इरादे को पढ़ लिया था। इसलिए सजा के तौर पर एलियन उसे अपने वर्ल्ड ऑफ विजडम से अंत में उसके शरीर को भस्म कर देते हैं। वहीं बाकी के लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए बचते बचाते आगे बढ़ते हैं, पर आखिर में उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। पर सडन पानी के बहाव की मदद से वो टेम्पल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, पर अब वो मयान पिरामिड ढहने के बाद उसकी सतह में छिपा एक विशाल यूएफओ एयरक्राफ्ट निकल कर आता है जो देखते ही देखते पोर्टल के थ्रू गायब हो जाता है और उनसे पीछे छूटा निशान पानी के गहराई में कहीं खो जाता है। और अब सीन सीधे जोन्स और उनका मैरिन के साथ वेडिंग के हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। बताना, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।